आपको बताएं कि सूबाई दारुलहुकूमत में अगवा के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। दिन दिहाड़े मैट्रिक की तालिबा अगवा, सीसीटीवी फुटेज मंजरियाम पर आ गई। तालिबा भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद वापस घर जा रही थी। तालिबा को घर वापसी पर चार मुसल्ला अगवाकारों ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार लड़की को जबरदस्ती उतार कर अगवा किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर से, जहां पर सूबाई दारुलहुकूमत में अगवा के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। दिन दिहाड़े मैट्रिक की तालिबा अगवा, सीसीटीवी फुटेज भी मंजरियाम पर आ गई है। तालिबा भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद वापस घर जा रही थी। तालिबा को घर वापसी पर चार मुसल्ला अगवाकारों ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार लड़की को जबरदस्ती उतार कर अगवा किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से, बताते चलें कि सूबाई दारुलहुकूमत में अगवा के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। दिन दिहाड़े मैट्रिक की तालिबा अगवा हो गई, सीसीटीवी फुटेज मंजरियाम पर आ गई है। तालिबा भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद वापस घर जा रही थी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी शहबाज हैदर ने। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में अगवा के वाकयात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आज भी शादबाग के इलाका से दिन दिहाड़े 10वीं जमात की 17 साल जो है वो तालबा को अगवा कर लिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैपिटल टीवी को मशहूर हो गई है। पुलिस के मुताबिक 17 साल तालबा अपने भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद वापिस घर वापिस आ रही थी के रास्ते में जो है वो सैयद शहबाज हैदर से राबता मुनकता हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सूबाई दारुलहुकूमत में अगवा के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। दिन दिहाड़े मैट्रिक की तालिबा अगवा हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी मंजरियाम पर आ गई है। तालिबा भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद वापस घर जा रही थी। तालिबा को घर वापसी पर चार मुसल्ला अगवाकारों ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार लड़की को जबरदस्ती उतार कर अगवा किया गया। आपको बताएं कि सूबाई दारुलहुकूमत में अगवा के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। दिन दिहाड़े मैट्रिक की तालिबा अगवा हो गई है, सीसीटीवी फुटेज मंजरियाम पर आ गई है। इसी पर बात करने के लिए सैयद शहबाज हैदर से हमारा राबता बहाल हो गया है। शहबाज, कहिएगा, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो है वो 17 साल तालबा अपने भाई के साथ इम्तिहान देने के बाद घर वापिस जा रही थी कि चार मुसल्ला अगवाकारों ने इसे अगवा किया और तालबा के अगवा का वाकया की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार ने मोटरसाइकिल सवार को पहले रोका और फिर उस पे सवार लड़की को जबरदस्ती उतार कर गाड़ी में बिठा लिया। इस दौरान अगवाकार ने एक शख्स अगवाकारों में जो एक शख्स था उसने मोटरसाइकिल सवार जो था उसका भाई लड़की का उससे भी जो है वो थप्पड़ मारा है और चले जाने का भी इशारा किया है। कामयाब कार्रवाई के बाद जो है अगवाकार आसानी जो है वो फरार हो जाते हैं। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से तालबा के अगवा का वाकया जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि तलाश जो है वो लड़की की वो भी जारी है। सीसीबी और लाहौर बिलाल कमियाना का इस हवाले से कहना है कि लड़की को जल्द जो है वो बाजियाब करवा लिया जाएगा। जी, लड़की को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। सैयद शहबाज हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।